नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। सर, एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँ तो सर, हम यहाँ पे यूक्रेन में 6,000 किलोमीटर दूर रहते हैं अपने अपने देश से। तो सर, इतने दूर रहने के बाद तो जब यहाँ यूक्रेन में बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत विषम परिस्थितियाँ थी, तो सर घर में सब बहुत परेशान हो गए थे, परेशान थे, पर फिर भी वो हमारी किसी तरीके से सहायता नहीं कर पा रहे थे। बट सर, जब आपका प्रधानमंत्री सर का सबका सहयोग से हम सकुशल यहाँ लौट पाए, तो उससे हमारे घर वालों को बहुत मतलब खुशी मिली और हमारा भी मनोबल बढ़ा। और सर, आपको बहुत बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद उसके लिए। और सर, उसके बाद सर, एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब बॉर्डर पे खड़ी थी, मैं हंगरी से आई, तो सर वहाँ पे और भी देश के बच्चे थे। सर, मैं उनसे बात कर रही थी क्योंकि बहुत क्राउड था वहाँ, भीड़ थी बॉर्डर पे। सर, उन्होंने मतलब बोला कि वो अपने देश वापस जा रहे हैं अपने खर्चे पर, बट मैंने बोला कि मेरी गवर्नमेंट ने तो मुझे इवैकुएशन प्लान स्टार्ट किया है, एंड हमारी गवर्नमेंट की वजह से हम जा रहे हैं वापस। तो वो सब बहुत हैरान हो रहे थे और फिर वो बोल रहे थे कि आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी गवर्नमेंट मिली। तो सर, बहुत प्राउड फील हुआ कि आज यू आर इंडियन फैमिली। सर, आपसे सर दिल्ली आने के बाद मतलब उम्मीद नहीं थी कि अब हमारा मतलब हम संतुष्ट थे कि हम बहुत सकुशल वापस लौटे। और सर, वहाँ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम जहाँ हमें रुकाया गया, इंडियन एम्बेसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने उनकी थी, उन्होंने उसे बहुत अच्छे से निभाया। मतलब मैं बिल्कुल परफेक्शन था, मैं उसमें एक गलती भी नहीं निकाल सकती। मतलब हमें बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई इन टर्म्स ऑफ लॉजिंग, इन टर्म्स ऑफ फूड सर, हम इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ हेल्प सर, बहुत बहुत मैं मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं आपको और प्रधानमंत्री सर को, और हमेशा रहूँगी। एंड सर, एक आपसे अनुरोध है कि सर वहाँ पे यूक्रेन में, क्योंकि अभी स्थितियाँ लगातार ख़राब होती जा रही हैं, और सर हमारी पढ़ाई का, हम मेडिकल छात्रों की पढ़ाई का अभी हमें बहुत अनसर्टेनिटी है, तो सर इसको लेकर भी मतलब मुझे उम्मीद है कि आप और प्रधानमंत्री सर इसके लिए भी, जैसे ऑपरेशन गंगा हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है, बिल्कुल वैसे ही आप इसे हमारी पढ़ाई के लिए भी आगे उचित पूरा सोचेंगे, और हम ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं और अपने देश और प्रदेश के लिए सेवा कर पाएं चलो डॉक्टर बन के। थैंक चलो यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौरसिया। लाइक आई टोल्ड, आई यूज्ड टू स्टडी इन विलसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमारा शहर बहुत छोटा सा है विलसा, सो वहाँ पर एज सच अटैक्स या फिर इतना ज़्यादा सीवियर इशूज़ नहीं थे। बट एट द टाइम हमने सोचा कि अब हम विनेसा से निकल करके बॉर्डर तक जाएंगे, तो हमें बस वगैरह नहीं मिल रही थी प्रॉपर। हमने एम्बेसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी बट हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने खुद से बसेस की और हम बॉर्डर तक पहुँचे। हमने चूज़ किया था रोमानिया बॉर्डर, लाइक मोस्ट ऑफ विनेसा के वही चूज़ किए थे। तो वहाँ पर काफ़ी रश हो गया था, अप्रॉक्स 2,000 और 3,000 स्टूडेंट्स एक साथ एक बॉर्डर पर। तो इतने रश के बीच बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की भी हुई, बट अल्टीमेटली हमने किसी भी तरीके से बॉर्डर वगैरह क्रॉस किया। फिर बॉर्डर क्रॉस करते रोमानिया साइड से हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, लाइक शेल्टर प्रोवाइड करना, हमारा बस, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, इवन रोमानियन पीपल भी हमारे, उन्होंने बहुत हेल्प की, खाना देना, हमें ब्लैंकेट्स वगैरह दिए। देन हमें एयरपोर्ट पे टिकट्स वगैरह तुरंत ही मिल गई थी, और जिन्हें नहीं मिली उन्हें शेल्टर दिया गया था। फिर यहाँ से हम आए थे बॉम्बे, बॉम्बे से हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टिकट्स प्रोवाइड किया कराए गए लखनऊ के लिए। देन लखनऊ पे काफ़ी सारे ऑफिसर्स आए थे जिन्होंने हमें रिसीव किया। देन हम घर आए, घर पे भी काफ़ी सारे कॉल्स आए, वो हमसे मिलने आए। सो थैंक यू फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट जो भी सूमी खारकीव या फिर कीव में अभी भी बच्चे हैं उनको निकाला जाना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। धन्यवाद जी। पर उन्नाव से हूँ सर। मैं यूक्रेन की ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 4th ईयर का छात्र हूँ। सबसे पहले सर मैं देश की
सरकार को, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हमारे मुखिया जो कि उत्तर प्रदेश की मुखिया माननीय आप सीएम जी, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। ठीक ही कहा गया है, जब देश और प्रदेश में एक सतर्क सरकार होती है तो हमें देश में ही नहीं, हमें विदेश में भी सुरक्षा प्रदान होती है। और माननीय सीएम सर, आपसे हमारी गुजारिश है, और हम आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स का भी प्रणाम करते हैं जो इस विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाकर उन्होंने रखा। मैं उनकी व्याकुलता को समझ सकता हूँ। इतनी अच्छी तरीके से हमें घर तक पहुँचाया, और मैंने बहुत सारी रोमानिया के लोगों से भी बात की थी, तो वो लोग कह रहे थे ये केवल मैं भारत सरकार के लिए कर रहा हूँ। मैंने उन लोग वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे नाइजीरियन हैं, सौ अरेबिक कंट्री वाले हैं, उनके लिए मैं अपना बॉर्डर ओपन नहीं कर रहा हूँ, ये केवल इंडियन गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ। कह रहे थे ये ओनली फॉर मोदी। धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम एसडीएम सर का, जो हमारे घर वालों का हर समय प्रोत्साहन करते रहे और वो हमें सकुशल हमें घर तक पहुँचाया। धन्यवाद सर। की मेडिकल इंडस्ट्री में चतुर्वर्ष का छात्र हूँ सर। मैं सर आपको अवगत कराना चाहूँगा सर अपनी यात्रा के बारे में सर, जो कि काफ़ी सुगत रही सर। सर मैं सर 24 तारीख को सर जब ब्लास्ट होना स्टार्ट हुआ सर यूक्रेन में, सर हमने सर 24 तारीख की रात को सर अपने चार मित्रों के साथ सर यात्रा अपनी शुरू की सर। सर हमने प्राइवेट टैक्सियों का सहारा लेकर सर हम किसी तरह लविव शहर पहुँचे, फिर सर हमने वहाँ से फिर दूसरी टैक्सी चेंज की सर, फिर हमें सर टैक्सी वालों ने सर बॉर्डर से करीब 15 से 20 किलोमीटर पहले सर उतार दिया सर, फिर हमें सर वहाँ से पैदल चल के सर पूरा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, फिर हमने जब सब बॉर्डर क्रॉस किया फिर आगे चल के जब हमें तिरंगा दिखा अपना सर, हमें बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई सर। मैं सर शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और सर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री यानी आपको सर, अपने परिजनों गुरुजनों और शुभचिंतकों की तरफ से आपका हार्दिक आभार एवं शुक्रिया सर। सर जैसे सर इंडिया में एक स्लोगन है सर, मोदी है तो मुमकिन है, सर मैं ये कहना चाहूँगा मोदी और योगी है तो मुमकिन है सर। धन्यवाद।